सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आंके एटीट्यूड यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यदि आप लोग भी इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग भी इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीख जाएँ। और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो है गाइस, सिंपली आप लोगों को अपना लाइट रूम अप्लीकेशन ओपन कर लेना है और प्लस के साइन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है। हमने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी ऐड कर रखी है, तो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो आज हम आप लोगों को एडिट करना बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये इफेक्ट का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियरिटी की वैल्यू को कर देना है बढ़ा करके 46 और DH की वैल्यू को बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 29 और विगनेट की वैल्यू को हल्का सा घटा देंगे, इसको कर देंगे -46 और मिड पॉइंट की वैल्यू को भी हल्का सा घटा देंगे, इसको कर देंगे 35 और फीचर की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 76। और फिर आप लोगों को दोस्तों इसको भी डन कर देना है और फिर आप लोगों को कलर के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप लोगों को वाइब्रेंस की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 20 और फिर आप लोगों को ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑरेंज टोन को सेलेक्ट करना है ताकि हमारी स्किन टोन सही हो सके। तो इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर देंगे -32 और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे 46 और फिर आप लोगों को सिंपली येलो टोन को सेलेक्ट करना है। इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100 और सेचुएशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100। फिर ग्रीन टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर देंगे -100 और ह्यू की वैल्यू को भी कर देंगे -100 और फिर स्काई ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर देंगे -100 और डार्क ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू को कर देंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 61 और फिर आप लोगों को ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली डन कर देना है। फिर आप लोगों को कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको कलर ग्रेडिंग के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यह शैडोस, मिड टोन्स और हाइलाइट्स और ग्लोबल, ये आप लोगों के आप सामने चार ऑप्शन खुलेंगे। तो आप लोगों को हाइलाइट्स पे आ जाना है और अपने फिंगर से इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। अपने फिंगर से इसको कुछ इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी फोन का इफेक्ट कुछ इस तरह से, फोटो का इफेक्ट कुछ इस तरह से बदलता दिख रहा है। ह्यू की वैल्यू को 23 कर लेंगे और सैचुरेशन की वैल्यू को 86 कर लेंगे। फिर ब्लेंडिंग की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 67 और बैलेंस की वैल्यू को हल्का सा माइनस कर देंगे, इसको कर देंगे -17 और लुमिनेंस की वैल्यू को हल्का सा घटा देंगे, इसको कर देंगे -25 और फिर आप लोगों को ग्लोबल के ऑप्शन पे आ जाना है। इसको भी अपनी फिंगर से कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है। बहुत हल्के से इसको भी स्क्रॉल करना है और लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे -32 और फिर आप लोगों को सिंपली डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको डन कर देंगे, ये देखिए हमारी दोस्तों बिफोर फोटो कैसी थी और आफ्टर कैसी, आप लोगों को जूम करके दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से एकदम एडिट हो चुकी है। तो आप लोगों को सिंपली लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये लाइट का ऑप्शन है, और फिर इसको कॉन्ट्रेस्ट की वैल्यू को
हल्का सा घटा देंगे, इसको कर देंगे -22 और हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 7 और शेडोज की वैल्यू को हल्का सा घटा देंगे, इसको कर लेंगे -37 और वाइट्स की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर लेंगे 18। और फिर आप लोगों को फेस पे स्किन टोन और इसका फेस इफेक्ट को सही करने के लिए आपको एक बार फिर से कलर के ऑप्शन पे आ जाना है और मिक्स टूल के ऑप्शन पे जाएंगे और फिर आप लोगों को ऑरेंज टोन को सेलेक्ट करना है और इसको हल्का सा सैचुरेशन की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 7। इसको सैचुरेशन की वैल्यू को बढ़ा करके कर देंगे 7 और फिर इसको डन कर देंगे। ये हमारी फ़ोटो एकदम परफेक्ट रूप से एडिट होके दोस्तों तैयार हो चुकी है। देखिए बिफोर फोटो हमारी कैसी थी और आफ्टर कैसी है। तो आप लोगों को इसको गैलरी के सेव करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे शेयर टू और सेव टू डिवाइस, तो आप लोगों को सिंपली सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर हो जाएगी सेव। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।